ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर सुनें। नंबर एक, यदि घर पर सूजी या चावल के पापड़ तैयार कर रहे हो तो जितना सूजी या चावल का आटा हो उसके साथ हिस्से पानी ले और इसके घोल में तिल और अजवाइन ज़रूर डालें, पापड़ स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर दो, उबली हुई चाय की पत्ती को सुखाकर कमरों के कोनों में रख देने से मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। नंबर तीन, सेब का जूस निकालकर इसमें अदरक का रस मिलाकर पीने से टाइफाइड के बुखार में राहत मिलती है। नंबर चार, यदि गैस का बर्नल ख़राब हो गया हो और इसकी आंच स्लो आ रही हो तो इसको सिरके और नमक से रगड़कर साफ़ करें। नंबर पाँच, मसाला भिंडी या शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रहे हो तो इसमें मूंगफली को दरदरा पीस कर ग्रेवी बनाएं और इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड करें। ऐसी सब्ज़ी बनेगी कि खाने वाले उंगलियां चाटेंगे। नंबर छः, चावल बनाते समय चावलों के पानी में नींबू का रस और देसी घी डालने से चावल सफ़ेद और खिले खिले बनते हैं। नंबर सात, जब भी घर में दूध फट जाता है इसके पानी को फेंके नहीं, दोबारा दूध को फाड़ने के काम में ले सकते हैं या आटा गूंदने के काम में भी ले सकते हैं। नंबर आठ, यदि आप वेज बिरयानी बना रहे हो तो सब्जियों को पहले फ्राई करें और इसकी अखनी में मैगी मसाला और बिरयानी मसाला दोनों ऐड करें, बिरयानी लाजवाब बनेगी। नंबर नौ, नींबू के रस में चमेली का तेल बराबर मात्रा में डालकर खुजली वाले हिस्से पर लगाने से खुजली जड़ से चली जाती है, ये तरीक़ा 8 दिन तक ज़रूर करें। नंबर 10, फूलगोभी में हरे रंग के कीड़े होते हैं जो कि बाज वक्त हमको दिखाई नहीं देते, ऐसे में हल्दी वाले पानी में गोभी को काट कर रखते हैं तो कीड़े पानी के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। नंबर 11, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए इसके अंदर चना दाल का भी उपयोग करें, पत्ता गोभी की सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 12, दही जमाने के लिए यदि घर में दही नहीं है तो गुनगुने दूध में नारियल का टुकड़ा या हरी मिर्च डालने से भी दही तैयार हो जाता है। नंबर 13, यदि हरी चटनी बना रहे हो तो ग्राइंड करते समय आइस क्यूब डाले, चटनी का कलर बरकरार रहेगा। नंबर 14, चिकन या मछली में से बास आती हो तो कुछ समय इसको नींबू लगाकर और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर साफ कर लें, स्मेल नहीं आएगी। नंबर 15, शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर घुटनों और जॉइंट पेन होता है, इसलिए जिन फलों और सब्जियों में ज़्यादा कैल्शियम होता है ज़्यादा सेवन करें ताकि शरीर को कैल्शियम की कमी ना हो। नंबर 16, मार्केट में दो तरह के सेब होते हैं, एक लाल और एक हरा, इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों सेबों की किस्में अलग होती हैं, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। लाल वाला सेब मीठा होता है और हरा वाला थोड़ा सा खटमीठ होता है। हरा वाला सेब आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। नंबर 17, अंडों को उबालते समय इसमें नमक और एक छोटा चम्मच ऑयल ऐड करने से अंडा जल्दी उबल लेगा और छिलका निकालते समय टूटेगा भी नहीं। नंबर 18, भुने हुए अमरूद की चटनी के आगे पनीर की सब्ज़ी भी फेल होती है, ये स्वास्थ्य और पेट के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। एक अमरूद 8 से 10 लहसुन की कली और 4 से 5 हरी मिर्च को अच्छे से भून लें और इसमें अदरक, हरा धनिया, जीरा और काला नमक मिलाकर ग्राइंड करें और लीमू का रस मिलाएं, ये स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। नंबर 19, जॉन्डिस की समस्या हो तो गन्ने को चूसने से या इसका जूस पीने से जॉन्डिस यूरिन के ज़रिए कम हो जाता है।
नंबर 20, यदि कपड़ों को खारे पानी से धोते हैं तो कपड़े की चमक फीकी पड़ जाती है। नंबर 21, नींबू की पत्तियों को कुचलकर सूंघने से गंभीर सरदर्द में आराम मिलता है। नंबर 22, पुदीने का पानी रोज़ाना पीने से चेहरे की स्किन चमकने लगती है। नंबर 23, व्यायाम के बाद अपने अनुसार कुछ ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं, भीगे हुए बादाम, चने या मखाने घी में भुनकर ज़रूर खाएं। नंबर 24, यदि आपको एसिडिटी और कब्ज की दिक्कत हो तो एक चम्मच सफ़ेद जीरे में एक चुटकी काला नमक पानी में उबाल कर पी ले, फौरन आराम मिलेगा। नंबर 25, कभी भी दही को गर्म करके या इसके साथ कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए। नंबर 26, गुलाब जल में दही मिलाकर लगाने से स्किन में ग्लो आता है, इसके अलावा स्किन के डेड सेल्स भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके मिश्रण को लगाने से मुहासे और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर 27, रोज़ाना 3 से 4 भीगे हुए अंजीर खाने से कब्ज की दिक्कत दूर होती है, साथ ही दिल की बीमारी के लिए रोकथाम करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और खून की कमी को दूर करता है। नंबर 28, गैस के आग में चिकन को भूनकर खाने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। नंबर 29, खांसी और ज़ुकाम से तुरंत छुटकारा पाने के लिए शहद में थोड़ी सी किशमिश मिलाकर खाएं, इससे खांसी और ज़ुकाम फौरन ख़त्म हो जाता है। नंबर 30, मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है और इससे भोजन भी स्वादिष्ट बनता है। नंबर 31, सुबह के समय हरी घास पर चलने से सेहत बनी रहती है। नंबर 32, लौंग के तेल को ब्रश पर लगाकर दांत साफ करने से दांत दर्द दूर हो जाता है और दांतों का पीलापन भी दूर होता है। नंबर 33, यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाएं। नंबर 34, बौली या बोरवेल का पानी खारा होता है, अगर आप इस पानी से नहाते हो तो बाल खुरदुरे और दो मुँहे हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 35, पालक खाने से गैस और कब्ज की दिक्कत दूर हो जाती है।